हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 4, दैट इज योर ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक को करने के बाद नैनो टेक हम करेंगे एंड देन वी विल जस्ट फिनिश अप यूनिट 4 एज वेल। उससे पहले यूनिट 1, 2, 3 सब की वीडियोस डल चुकी हैं, उन सबको ढंग से कर लेना पहले ही, ताकि आपको ईजी रहे फॉर योर एनसेम्स। ओके, अब देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी का, ग्रीन टेक में भी कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा तो आपके वो 12 प्रिंसिपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में एटम इकोनॉमी का कंसेप्ट। एटम इकोनॉमी पे क्वेश्चन जरूर आता है, 2.5 में आए या कैसे आए, बट आता है। देखो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस जो कि रिड्यूस या एलिमिनेट करें हैजार्डियस सब्सटेंसेस का यूज। ग्रीन वर्ड से समझ में आ रहा है। एक्सपेक्टेड गोल्स क्या है, सस्टेनेबिलिटी अटेन करें, इनोवेशन, सोर्स रिडक्शन और वायबिलिटी, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए यू नीड टू रिड्यूस द यूज और एलिमिनेट द यूज ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस एंड मूव टूवर्ड्स द ग्रीन केमिस्ट्री। ये देखो 12 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ढंग से 12 के 12 याद कर लेना, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। क्या क्या है, प्रिवेंशन, एटम इकोनॉमी, लेस हैजार्डियस केमिकल सिंथेसिस, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, सेफर सॉल्वेंट्स, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल फीडस्टॉक, डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करना, कैटलिस्ट, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, रियल टाइम एनालिसिस फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन और इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। सारे प्रिंसिपल्स है, सबकी एक एक करके अब हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले है वेस्ट प्रिवेंशन, यानी कि इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप, यानी पहले प्रिवेंट कर लो ना, ट्रीट बाद में करोगे, क्रिएट ही मत करो। दस केमिकल प्रोसेस को ऐसे हमें ऑप्टिमाइज करना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है, यानी आपको केमिकल प्रोसेस इस तरीके से करने हैं कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो। एटम इकोनॉमी का थोड़ा सा सुन लो, फिर डिटेल में बताऊंगी। इज अ मेजर जिसमें जो अमाउंट ऑफ एटम्स हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग मटीरियल एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेस कितने बचे, शुड बी डिजाइन टू मैक्सिमाइज द इनकॉर्पोरेशन मटीरियल यूज इन टू द फाइनल प्रोडक्ट। एक मेजर है कि कितने अमाउंट ऑफ एटम्स आपके स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर कितने एट द एंड केमिकल प्रोसेस में बचे हैं, वो उसके एटम की इकोनॉमी को बताता है। लेस हैजार्डियस केमिकल सिंथेसिस का मतलब है सिंथेटिक मेथड्स शुड बी डिजाइंड इस तरीके से कि जिसके अंदर लेस से लेस या नो टॉक्सिसिटी के ह्यूमन हेल्थ एनवायरमेंट को टॉक्सिक बनाने वाले केमिकल्स का सिंथेसिस कम से कम किया जाए, सेफर केमिकल्स बनाए जाएं, यानी ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि बहुत मिनिमाइज टॉक्सिसिटी फैलाएं और हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें। फिर लास्ट है सेफर सॉल्वेंट्स और ऑक्सिलरीज, यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं अदर एजेंट्स का रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, जिसके अंदर हम रिएक्शन की रेट को स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में बहुत हैजार्डियस सब्सटेंसेस का यूज कर लेते हैं, उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है आपकी एनर्जी एफिशिएंसी, यानी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस ऐसे बनाने कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो एनवायरमेंट के रिक्वायरमेंट्स को, एनवायरमेंट को बिना इंपैक्ट किए फुलफिल की जा सके। रिन्यूएबल फीड स्टॉक को यूज करना, यानी ऐसा फीड स्टॉक जो कि इजिली रिन्यू किया जा सकता है, यानी जो हमें बायोलॉजिकल सोर्सेस से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है, और उसको प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना है, ना कि उसको डिग्रेड करना है फॉर आर ग्रीड, बिकॉज वी हैव ऑल हर्ड द लाइंस एवरीथिंग, मतलब Our country has enough for everyone's need, but not for anyone's greed. तो greed के लिए तो country के पास नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से sources को use करना है, ठीक है? Reduce derivatives, यानी unnecessary क्या? Unnecessary production of waste या unnecessary production of ऐसे processes जो which are not necessary, उनको minimize या avoid करना है, क्योंकि इनसे क्या होता है, additional reagents produce होते हैं और इन additional reagents के चक्कर में बहुत waste generate होता है। कैटलिस्ट, यानी ऐसे कैटलिस्ट यूज करने हैं जो कि केमिकल प्रोसेस में या तो रीयूज किए जा सके या फिर वेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन ना दे रहे हों। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, दैट मींस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स दे डू नॉट डिकम्पोज, फॉर एग्जांपल डीडीटी, ऐसे केमिकल्स से आपको रिप्लेस करना है जो कि इजीली डिकम्पोज हो पाए, यानी जो भी आप पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो भी यूज कर रहे हो। पॉल्यूशन प्रिवेंशन, यानी मॉनिटरिंग की जाए केमिकल रिएक्शंस की कि वो किस हद तक हैजार्डियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस हद तक वो आपकी पोल्यूशन के अंदर एड ऑन कर रही होंगी चीजें। नाउ सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, दैट मींस वर्किंग विद केमिकल्स ऑलवेज कैरीज अ डिग्री ऑफ रिस्क, हाउएवर इफ हैजार्ड्स आर मैनेज्ड वेल रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, यानी केमिस्ट्री को सेफर बनाया जाए ताकि एक्सीडेंट प्रिवेंशन भी हो पाए। वी ऑलवेज नो कि व्हेनेवर देयर इज अ यूज ऑफ केमिकल्स, इसका मतलब है कि रिस्क तो है, बिकॉज केमिकल्स आर नेवर सेफ, बट अगर आप उसको ढंग से मैनेज करते हो तो रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है।
ये थे आपके 12 प्रिंसिपल्स, यही बस ढंग से पढ़ने हैं। और एक एटम इकोनॉमी को पढ़ना है। एटम इकोनॉमी होती है आपकी मेजर ऑफ डिजायर्ड यूजफुल प्रोडक्ट जो कि फॉर्म हुए रिएक्टेंट से। एक सेकेंड, डिजाइंड यूजफुल प्रोडक्ट जो कि फॉर्म हुए किससे, रिएक्टेंट से इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो द हायर द एटम इकोनॉमी द मोर द डिजायर्ड प्रोडक्ट, जितनी ज्यादा एटम इकोनॉमी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला होगा। कितना आपको यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑब्टेन हुए वो ही एटम की इकोनॉमी को बताता है। इसका ये फॉर्मूला है, मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटम इकोनॉमी इन 12 प्रिंसिपल्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दी। बाकी 12 के 12 प्रिंसिपल्स ढंग से सबकी एक एक्सप्लेनेशन है, पीपीटी आपको शेयर कर दी जाएगी, तो उससे वहां से आप कवर अप इसको कर लेना, ठीक है। तो यही था आपका ग्रीन टेक में। बाकी आई होप कोरोजन कर लिया होगा। इसके बाद नैनोटेक आएगा, उसको भी ढंग से प्रिपेयर कर लेना, वो भी बहुत छोटू सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। एंड आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप स्टडिंग, ओके बाय।